हम सबकी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऐसे ही एक किरदार की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज मैं आपको गुड्डू चाचा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गुड्डू चाचा वो हमारे शहर के पहले पत्रकार थे जिनको बच्चा बच्चा तक जानता था। साल 2007 का वो दौर जब लोग सोशल मीडिया पर कम मिलते थे और असल दुनिया में ज़्यादा मिला करते थे। तब स्कूल में होने वाले प्रोग्राम पर तालियां बजाई जाती थी। आज की तरह मोबाइल ऑन कर, कैमरे को ऑन कर उन प्रोग्राम्स को कैद नहीं किया जाता था। तब अखबार घरों में पढ़े जाते थे, रेडियो सुने जाते थे और टेलीविज़न पर कुछ ही चैनल आया करते थे। उस दौर में बड़े बूढ़ों के साथ बैठकर बातें की जाती थी, दुनिया को समझा जाता था। गुड्डू चाचा से मिलना पहली बार मेरा स्कूल में हुआ था। वो 15 अगस्त का दिन था और मैं स्कूल में होने वाले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जा रहा था। अब स्टेज का हल्का सा डर तो सब में होता है, मुझमें भी था। मैं घर से पूरी तैयारी के साथ गया था कि मुझे स्टेज पर कुछ बोलना है। बार बार मैं अपने लिखे कागज को रिपीट कर रहा था, डर था कि यार कहीं भूल ना जाऊं लिखा हुआ। मेरी स्पीच हमेशा पापा जी लिखा करते थे, शब्दों के जादूगर हैं भाई मेरे पापा। कभी कभी लगता है कि रेडियो पर जो मैं कहानियां सुनाता हूं, जो भी मैं आपको कविताएं सुनाता हूं, ये सब पापा जी की ही देन है। पापा से ही मैंने सीखा है कि कैसे सामने वाले को प्यार से बोलकर उससे हर काम कराया जा सकता है। पापा के लिखे शब्द होते तो आसान थे, लेकिन उनको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ने का दबाव मुझे अक्सर उनकी लिखावट भुला दिया करता था। तो उस दिन स्टेज पर जाने से ठीक पहले मैं स्पीच का एक बड़ा सा हिस्सा भूल गया था। अब लोभियाल सर उन दिनों मंच का संचालन करते थे। अपनी आवाज में शब्दों को समेट कर स्टेज पर आने वाले हर प्रतिभागी का नाम वो अपने अंदाज में बुलाया करते थे और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने माइक लिया, हल्का सा खांसे और कहा, अब जिस बच्चे को मैं बुलाने जा रहा हूं वो बच्चा हम सबके दिल के बड़ा करीब है, शानदार है और बेहतरीन है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा पंकज जीना को। जोरदार तालियां बज गई। अब जब ये जोरदार तालियां बजती हैं ना तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा बहुत तो कम हो जाता है, क्योंकि आप बेहतर करना चाहते हैं। मैं स्टेज पर पहुंचा, अब लोगों की तालियां थी, थोड़ा डर था, पर मैंने कहा चलो बोलना शुरू करते हैं। बोलना शुरू किया था, तकरीबन 2 मिनट हुए थे कि मैं स्पीच भूल गया। मैंने कहा तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबने थोड़ी व्यंग वाली मुस्कान दी, तालियां बजाई गई, लेकिन उसी वक्त गुड्डू चाचा अतिथियों के बीच में से उठे और मुझे 100 रुपये का इनाम देते हुए कहने लगे, बच्चे लोग किसी पर हंसना बहुत आसान है लेकिन स्टेज पर आकर बोलना बहुत मुश्किल काम है। वो इनाम ना उस दिन एक हिम्मत दे गया। तब से अब तक मैंने कभी स्टेज नहीं छोड़ा। आज सोचता हूँ कि अगर गुड्डू चाचा उस दिन ना होते तो शायद हिम्मत वहीं टूट जाती। काश हर एक शहर में एक गुड्डू चाचा हूं जो टूटती हुई हिम्मत को सहारा दे ताकि हर एक आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे और हर आवाज कहीं दबी ना रह जाए। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। आपके शहर के कुछ गुड्डू चाचा हैं तो उन्हें जरूर ये कहानी भेजिएगा। धन्यवाद।